ओश एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में 10 डायनेमिक स्ट्रेचेस एक्सरसाइज बताने वाला हूं। इन एक्सरसाइज को अगर आप करते हैं तो आपका स्ट्रेचिंग भी होगा और आपका वार्म अप भी हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपको हर एक्सरसाइज को 30 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड यानी कि एक मिनट तक करना है। मैं इस वीडियो में हर एक्सरसाइज को 10 काउंट तक करूँगा ताकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जंपिंग जैक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और हम सेकेंड करेंगे क्या, हाई नी अप्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम थर्ड करेंगे बट किक्स। आपको अपने हाथ पीछे रख लेना है और अपने हाथ पे अपने हील से किक करना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब करेंगे हम फोर्थ एक्सरसाइज, शोल्डर रोल। आप कमर पे हाथ रख के इस प्रकार से कर सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में करना है, या आप सामने से इस प्रकार से साइड में हाथ खोल के आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कमर पे हाथ रख के 10 काउंट करके मैं दिखाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, फिर 5 अपोजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम करेंगे फिफ्थ एक्सरसाइज। फिफ्थ एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हिप रोल। कमर को घुमाना है इस प्रकार से। और ये सारे एक्सरसाइज कब करना होता है, आपको हेवी एक्सरसाइज करने के बाद ही। एक तरह का आपका वार्म अप है और आपका बॉडी के काफ़ी हद तक सारे मसल स्ट्रेच हो जाएंगे। ये वो फिफ्थ एक्सरसाइज। अब हम करेंगे सिक्स्थ एक्सरसाइज। सिक्स्थ एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको खड़ा हो जाना है, अपने लेग को स्विम करना है। देखिए इस प्रकार से आगे लाते हुए पीछे भी ले जाना है, जस्ट स्विम। साइड में हाथ खोल के रख सकते हैं बैलेंस के लिए या कमर पे रख सकते हैं। चलिए हम साइड में हाथ खोल के रखते हैं बैलेंस के लिए। इस प्रकार से अपने लेग को स्विम करना है 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा लेग से 5 काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। यह हुआ लेग स्विम। अब हम क्या करेंगे, अपने टो को टैप करेंगे खड़े खड़े। देखिए इस प्रकार से ये लिए 1, 2, 3, 4, 5। अब हम दूसरे लेग से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। आपको इन एक्सरसाइज को 10 काउंट करना है। मैं 5 भी कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो अब करते हैं हम एट्थ एक्सरसाइज, आठवां एक्सरसाइज। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा एक्सरसाइज है। आपको इसमें करना है डीप लंग्स एक्सरसाइज। देखिए आपको सबसे पहले इस घुटने का वाले बैठ जाना है, इस प्रकार से आपको स्ट्रेच करना है 1, 2। मैं भी इस एक्सरसाइज को 5 करूँगा ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि मुझे दोनों पैर से करना है। लेग चेंज कर लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। चलिए अब हम करते हैं नाइन्थ एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, आपको प्लैंक पोजीशन करके आगे जाना है फिर वापस आना है। देखिए पहले आपको बैठना है इस प्रकार से, ये बैठे, अब आपको आगे जाना है, जस्ट वॉक इन, ठीक है, फिर वापस प्लैंक आउट प्लैंक इन, वॉक आउट एंड वॉक इन इस प्रकार से 1, 2, 3, 4। इसको भी 5 ही करता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अब करते हैं हम लास्ट एंड फाइनल 10th एक्सरसाइज, वो है स्क्वाट्स। क्या करेंगे हम इसमें, स्क्वाट्स करेंगे। तो चलिए करते हैं स्क्वाट्स। आप इस प्रकार से हाथ रख सकते हैं, कमर पे हाथ रख सकते हैं या सर पे हाथ रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इस प्रकार से प्रेयर पोजीशन में हाथ रखूँगा, इससे आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा। चलिए स्क्वाट्स पोजीशन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। देखिए, अगर आप इन डायनेमिक स्ट्रेचेस को करते हैं तो आपके बॉडी में ब्लड फ्लो होगा, जिससे अगर आप हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके आपके मसल्स इंजर्ड नहीं होंगे, और आप अगर इन एक्सरसाइज को करने के बाद हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मसल रिकवरी भी काफ़ी जल्दी होगा और आप ज़्यादा थकान भी महसूस नहीं करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, अगर आप इन एक्सरसाइज को डिटेल में सीखना चाहते हैं और सीख कर किसी को सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अपने वीडियो चैनल पर एक प्ले लिस्ट बनाया हूँ जिसका नाम है एक्सरसाइज लाइब्रेरी। आप वहाँ से जाकर सारे एक्सरसाइज को डिटेल में सीख सकते हैं और सीखने के बाद किसी को भी सिखा सकते हैं। मैंने एक और स्ट्रेचिंग का वीडियो बनाया है जो कि आप उन स्ट्रेचिंग को कर सकते हैं एक्सरसाइज करने के बाद। उन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेचेस। अगर आप उसको देखते हैं तो अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद उन एक्सरसाइज को करते हैं तो आपका मसल रिकवरी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी तेज़ी से होगा और आप एक्सरसाइज करने के बाद आप थकान भी ज़्यादा महसूस नहीं करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओश एवरीवन।